नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फेयर कंपेयर चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे पास है बोट के हेडफोन जो कि यूएसबी से कनेक्ट करके हम चला सकते हैं। इनका मैं करने वाला हूं रिव्यू। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको हेडफोन दिखा रहा हूँ, ये बोट के इमोटल IM1000D के नाम से जाने जाते हैं। ये एक्चुअली एक यूएसबी से कनेक्ट होने वाले हेडफोन है जो कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से के लिए काम आएंगे। बेसिकली ये गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं। ये मैंने अमेजोन से बुलाए हैं। प्राइस जानकर के आप काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि लगभग 6,000 रुपए का प्राइस इसका बोट के ऑफिशियल वेबसाइट पे था और काफी समय से मेरी नजरें इसके ऊपर थी, जो मुझे 2,500 रुपए में मिला है। तो अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे मिला है। बॉक्स अगर देखेंगे तो इस तरीके का बॉक्स मुझे मिला, जिसमें आपको दिख ही रहा होगा कि ऊपर बोट की बोट का जो है यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। इधर यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, मॉडल IM1000D। थोड़ा सा साइड में करते हैं और बॉक्स को थोड़ा अच्छे से निहार लेते हैं। USB गेमिंग हेडफोन्स एक्सक्लूसिवली फॉर PC। तो इसमें डॉल्बी 7.1 का सपोर्ट है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब सुनाता हूँ, मतलब ठीक है। लेजेंड्स लेयर इन्होंने लिखा हुआ है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, 7.1 चैनल सराउंड ऑडियो मिलता है। 7.1 मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम 7.1 के स्पीकर्स खरीदने जाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये तक मिनिमम खर्चा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हेडफोन्स कितना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें 50 mm के ड्राइवर्स लगे हुए हैं, यानी कि लाउडनेस तो आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जो है इसमें लाइटिंग देखने के लिए मिलेगी। मैं एक बार कनेक्ट करके इन्हें आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये लाइटिंग जो है यहाँ पर ग्रीन RGB लाइटिंग है बेसिकली, तो ब्लू ग्रीन और रेड ये जलते हैं। आगे हम इसकी भी बात करेंगे, पहले बॉक्स को अच्छे से देख लेते हैं। इजी ऑडियो एंड माइक ड्राइव कस्टमाइजेशन मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल ऑडियो माइक LEDs मिल जाती हैं, अनपैरेलल डिज़ाइन है, बिल्कुल बिल्कुल डिज़ाइन बहुत तगड़ी है, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बिल्ड क्वालिटी वाले सेक्शन में। डबल माइक दिए गए हैं, एक डिटैचेबल बूम एंड पेसिव माइक भी है, कॉजी ईयरमफ्स हैं, ईयरमफ्स काफ़ी बढ़िया हैं, ENX टैक विद ड्राइवर डिनॉइजिंग माइक और सिक्योर ब्रेडेड केबल ब्रेडेड है, जो कि मुझे और भी अच्छा लगा। ये टूटने फूटने का झंझट नहीं रहेगा और काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेडेड केबल है तो बहुत टाइट है, ये बहुत नाजुक है और रिपीट ये काफ़ी सॉफ्ट और बढ़िया सी है, मतलब आप देख ही रहे हो कैसे भी इसको कर सकते हैं धागे के जैसे, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और USB गेमिंग हेडफोन्स ओनली फॉर पीसी है। इसके साथ दोस्तों क्या मिला है वो मैं आपको बता दूँ। इसके साथ यहाँ पर एक वारंटी कार्ड दिया गया है इनके द्वारा और एक ये मिल जाता है डिटैचेबल माइक जो कि इसमें आ जाता है, वो भी मैं बाजू में रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ सब कुछ। यहाँ पर वारंटी कार्ड से और कुछ भी नहीं, 1 साल का जो वारंटी मिला है इसके साथ बस, और बिल वगैरह अंदर रखा हुआ है। चलिए अब हम आते हैं हेडफोन्स पर। बॉक्स तो हमने देख लिया, अब हेडफोन्स को जरा अच्छे से देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा इस हेडफोन की। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि यह केबल जो है ब्रेडेड दे रखी है। यहाँ पर आपको USB ए टाइप कनेक्टर मिल जाता है और इसके साथ ही केबल, काफ़ी लंबी केबल है, लगभग ये 1 से 1.5 मीटर की मुझे लग रही है, जो कि हो है ही। अगर आप हेडफोन्स की बात करेंगे तो ये जो दो धागे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी केबल है जो कि दोनों तरफ के हेडफोन्स में पहुंच रही है और ये ब्रेडेड है, तो टूटने फूटने का झंझट नहीं होगा। आपको लग सकता है कि यह टूट जाएगा, बट ये ब्रेडेड है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ऊपर की तरफ जो पैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा दे रखी है। आमतौर पर हम लोग सिर्फ इतनी पैडिंग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया पैडिंग है, इतनी पूरे सर में आपको कवर कर लेगी और यहाँ पर रखने के बाद आपको काफ़ी सॉफ्ट भी लगता है इस तरीके से। ये इस तरीके से एडजस्टेबल भी हैं। ये जो है इतना पार्ट आपको मेटल का मिलता है दोस्तों, अंदर भी मेटल लगा होगा आई थिंक, बट वो हम पता नहीं कर सकते हैं खैर, लेकिन यहाँ पर ये मेटल लगा हुआ, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर भी मेटल ही दिया गया है और जिस हिसाब से मजबूती है बहुत तगड़ी लग रही है। ये पार्ट आपको जो है प्लास्टिक का मिल जाता है। यहाँ पर आपको लाइट्स दिए गए हैं जो कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले चलाकर दिखाया, मैं वापस भी दिखाऊंगा। इस तरफ अगर देखेंगे तो एक कुशनिंग है और एक कुशनिंग आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कितना ज़्यादा कुशनिंग किया गया, मैं बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ अपनी अगर अपने उंगलियों को मैं सिर्फ रेस्ट करने रखता हूँ यहाँ पर तो भी ये काफ़ी दब जाता है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, आपके कानों को पूरी तरीके से भी कवर करता है जितना बड़ा आप इसका एरिया देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ आप मिस करेंगे कि इस तरीके से जो है फ्लैट फोल्डेबल नहीं है, तो आपको कंप्यूटर के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा और अंदर मतलब अपने कमरे में ही रखना पड़ेगा, आप कहीं कैरी नहीं कर सकते हैं लंबी दूरी तक। तो बेसिकली आप गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं लेकर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी पैडिंग मिल जाती है। नॉइस का जो आइसोलेशन है वो बहुत तगड़ा हो रहा है दोस्तों इसका, अगर मैं ऐसे लगा कर भी देखूँ तो आप भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर देखेंगे तो राइट एंड इधर साइड लेफ्ट लिखा हुआ है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँगा तो बहुत बढ़िया है, हर एक चीज़ का छोटा छोटी चीज़ों का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, पैडिंग से लेकर के
ईयर मफ्स से लेकर के ये वायर्स की अगर बात करें तो देखिए आप देख ही सकते हो यहाँ पर केबल काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा होल दिया जाता है जिसमें आप ये डिटैचेबल माइक फिट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये माइक इस तरीके से फिट हो जाता है और फिर आप इससे बातें जो है कर सकते हैं गेम करते समय, गेमिंग करते समय है। सो केबल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक और ये बटन दी गई है आपको, जिसमें एक ये बटन होती है जो इसके इस वाले इन वाले लाइट्स को जो है कंट्रोल करती है। बंद अगर आप सोच रहे हैं कि यार बंद कर देना चाहिए, बैटरी बहुत ज़्यादा जा रही है लैपटॉप की, तो आप उसे बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप चालू करना चालू कर सकते हैं। ये म्यूट का बटन है और यहाँ पर आपको इन दोनों को बंद करने के लिए भी बटन दिया गया है कि कनेक्ट तो रहेगा लेकिन आप यहीं से जो है अपने कान में आवाज़ ना आए इस तरीके से बंद कर सकते हैं। बाजू में देखेंगे तो साउंड कीज हैं जहाँ पर आप इसे वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कनेक्ट करते हैं और एक आध गाना बजा कर देखते हैं किस तरीके का साउंड है। मैं आपको माइक के थ्रू सुनाऊंगा अभी, तो फिलहाल मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। आप देख ही रहे हैं किस तरीके का लाइट यहाँ पर आ रहा है आरजीबी। अगर मैं इसे बंद कर दूँ ये वाली बटन यूज़ करके तो ये बंद हो गया। चालू कर देते हैं, ये जो है माइक और इसके लिए है, इन पर भी लाइट जलता है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, आपको पता चल जाएगा चालू है या नहीं है। तो मैं एक गाना बजाता हूँ और आप लोगों को सुना देता हूँ। तो अभी ऐसा रखने पर इस हद तक आवाज़ बाहर आ रही है, अगर मैं इसे पहन लूँ शायद आपको बाहर आवाज नहीं आई होगी यहाँ पर, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ी सी आवाज आ जाए। साउंड क्वालिटी के मामले में दोस्तों इसका जवाब ही नहीं है। जिस बजट प्राइस बजट में मिल रहा है, मैंने अभी तक इस प्राइस बजट में इतना अच्छा साउंड नहीं सुना क्योंकि डॉल्बी 7.1 का सपोर्ट है। साथ ही साथ इसमें ना आपको डॉल्बी एक्सेस का भी सपोर्ट मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है डॉल्बी एक्सेस से अगर आप इसे कनेक्ट करते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का बटन मिल जाएगा जिस पर जाएंगे आप। तो अगर आप इसे कनेक्ट नहीं करें हैं तब तक आपको ये देखिए इस तरीके से दिखाई देता है कि ट्राई फॉर 7 डेज और डॉल्बी एटमॉस हेडफोन्स। अगर आप स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप हेडफोन्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जिस पर सिलेक्टेड होता है। आप सिंपल यहाँ पर ट्राई फॉर 7 डेज वगैरह कुछ भी नहीं कीजिए, सिर्फ अपना हेडफोन यहाँ पर कनेक्ट करेंगे ये वाले। इसको कनेक्ट करते ही जो है ऑप्शन आ जाता है डॉल्बी एटमॉस हेडफोन्स का, यहाँ पर सेटअप का बटन दिया जाता है या फिर रेडी टू यूज़ बोल देता है। सेटअप आप कर सकते हैं, स्किप सेटअप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये। उसके बाद आपको जाना है ये सेटिंग वाले बटन पर, सेटिंग्स पर जाएंगे। ओके, ये रेडी टू यूज़ का बटन आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद आप सेटिंग्स पर जाएंगे तो यहाँ पर पहले तो आप प्रोडक्ट में देख लीजिए, ये वाला एक सेक्शन है जहाँ पर आपको दिखाई देता है कि कनेक्टेड है या नहीं है। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे गेम, मूवी, म्यूजिक और वॉइस के हिसाब से इन्होंने जो है ऑडियो पहले से सिंक किया हुआ है कि गेम के लिए किस तरीके का ऑडियो आपको लगेगा, मूवी के लिए कैसा लगेगा। फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आता है तो इस एप्लीकेशन में कस्टम के लिए 3 चीज़ें छोड़ी गई है, 3 कस्टम आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर छोड़ा हुआ है। साउंड क्वालिटी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक्चुअली आप यहाँ पर इक्वलाइजर पूरा सेट कर सकते हैं, आपको कितना अच्छा बेस चाहिए, कितना अच्छा ट्रेबल चाहिए, वो यहाँ से आपको सब कुछ देख सकते हैं। ये देखिए वॉर्म का ऑप्शन है, डिटेल का ऑप्शन है, बैलेंस का ऑप्शन है, मूवी का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जिसमें अभी ऑफ करा रखा है, बैलेंस अगर आपको चाहिए इस तरीके से, डिटेल अगर आपको चाहिए इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आता तो आप कस्टम में जाकर के चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड भी है जब आप गेमिंग कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, गेमिंग के समय में परफॉर्मेंस मोड दिया जाता है, इसको चालू कर देंगे तो ये अपने हिसाब से गेम का साउंड आपको सुनाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगी दोस्तों इसके अंदर कि इतने कम पैसों में इतना मतलब स्मार्ट मुझे ये हेडफोन्स मिले हैं। सो दोस्तों ये है बोट के इमोर्टल IM1000T। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।